हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आरोपी को गिरफ्तार करने गए पुलिस दल पर प्राणघातक हमला, झाप SHO पर फायरिंग, भीनमाल SHO की गाड़ी को टक्कर मारी। निकटवर्ती पुनासा गांव में विभिन्न मामलों में फरार आरोपी को गिरफ्तार करने गए भीनमाल व झाप पुलिस की सरकारी गाड़ी को टक्कर मारकर प्राणघातक हमला व फायरिंग करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर एक देसी कट्टा व 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। टक्कर में सरकारी पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा संभावित स्थानों पर दबिश की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि विभिन्न मामलों में फरार आरोपी पुनासा निवासी भंजन लाल पुत्र केशाराम विशोई साथियों के साथ एक पिकअप गाड़ी, एक स्कॉर्पियो व एक कैंपर गाड़ी में सवार होकर पुनासा गांव में जाट समाज के शमशान भूमि में से जबरन रास्ता निकालने व अन्य किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। वर्तमान में उक्त लोग एक सामाजिक कार्यक्रम में खड़े हैं। उक्त सूचना पर भीनमाल थाना अधिकारी दूली चंद गुजर व झाप थाना अधिकारी अनु चौधरी के नेतृत्व में अलग अलग पुलिस दलों को पुनासा भेजा गया। उक्त पुलिस दल विशोइयों की ठाणी पहुंचे। इस दौरान भजन लाल वगैरह विशोई समाज के सामाजिक कार्यक्रम से विशोइयों की ठाणी की तरफ गाड़ियों में सवार होकर जा रहे थे। पुलिस दल द्वारा उक्त गाड़ियों का पीछा करने पर सामने से एक पिकअप टोला, एक सफेद कलर की स्कॉर्पियो व एक कैंपर आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर भीनमाल थाना अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस दल द्वारा सफेद कलर के पिकअप ट्रॉले को रुकवाने के लिए सरकारी पुलिस जीप को रास्ता में खड़ा कर मार्ग अवरुद्ध किया गया, तो पिकअप चालक भजन लाल विशोई ने पुलिस वाहन को टक्कर मारकर उसमें सवार पुलिस टीम को मारने का प्रयास किया, जिससे सरकारी जीप भी क्षतिग्रस्त हुई। पुलिस दल ने स्वयं का बचाव करते हुए अन्य वाहन से आरोपियों का पीछा किया। इस दरमियान झाप थाना अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस दल द्वारा आरोपियों का पीछा करने पर स्कॉर्पियो चालक पुलिस थाना बागोड़ा अंतर्गत भालनी निवासी जोगाराम पुत्र गंगाराम विशोई व उसके साथियों ने पुलिस टीम को जान से मारने की नीयत से पुलिस दल पर हीट फायर किया, लेकिन पुलिस दल की सूझबूझ की वजह से स्वयं का बचाव करते हुए झाप थाना अधिकारी द्वारा बचाव में हवाई फायर करने पर आरोपी जोगाराम के साथ अन्य आरोपी वहां से भाग गए। दो पुलिस दलों द्वारा पीछा कर आरोपी जोगाराम पुत्र गंगाराम जाति पवार विशोई निवासी भालनी व पुलिस थाना सेड़वा अंतर्गत सोनड़ी निवासी भागीरथ राम उर्फ टोचा पुत्र सुखराम जाति खिचड़ा विशोई को दस्ताब किया गया, जबकि मुख्य आरोपी भजन लाल विशोई सहित अन्य साथियों को दस्ताब करने के लिए पुलिस दल द्वारा करीब 10 से 15 किलोमीटर तक पीछा किया गया। उक्त लोग पिकअप गाड़ी में सवार होकर मौका स्थल से भागने में सफल रहे। पुलिस ने उक्त आरोपियों के विरुद्ध पुलिस पर फायरिंग, सरकारी वाहन को टक्कर मारकर प्राणघातक हमला करने व आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज जांच प्रारंभ की। पुलिस के अनुसार आरोपी भागीरथ उर्फ टोचा के विरुद्ध विभिन्न थानों में 7 मामला व जोगाराम के विरुद्ध 17 मामले दर्ज हैं। कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना अधिकारी दूली चंद गुजर के नेतृत्व में ASI देवाराम जाट, हेड कांस्टेबल बाबूलाल, कांस्टेबल प्रवीण कुमार घेवर चंद, रामलाल व मदन लाल और झाप थाना अधिकारी अनु चौधरी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल कालू राम, कांस्टेबल कृष्णा राम, गणपत लाल मांगा राम, हरमाना राम, भवर लाल, शांति लाल व तुलसा राम टीम में शामिल थे। जागरूक टीवी की भीनमाल से पर्वत सिंह राव की रिपोर्ट।